Hello, Rance. How are you? तो आप लोगों का अनिरत अनिक और सीरत की लव स्टोरी में फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनिका और सीरत एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं। उन पे एक ऐसा कहर टूट जाता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि उनकी जिंदगी उनको ये मोड़ पे दिखाएगी। इस बात से बेखबर दोनों अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे, सब कुछ अच्छा आ रहा चल रहा था। जिंदगी में के कई उतार चढ़ाव दोनों ने देख लिए थे, लेकिन जिंदगी ये भी उतार चढ़ाव दिखाएगी ये किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। वहां से सीरत हॉस्पिटल से सीरत अनिका को लेके आए निकलती है। पूरे रास्ते अनिका बहुत बेचैन रहती है और सीरत को हक करके बैठी हुई होती है गाड़ी में, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा इरिटेट। गुस्सा भी था, नफरत भी थी। नफरत उन लोगों से जो किसी की इमेज का, किसी की इज्जत का इस तरह से मजाक बनाते हैं। गुस्सा उन लोगों का जो इस तरह की हरकत करते हैं। इरिटेट इसलिए कि चाह के भी उस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रही थी, लड़ नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है और क्यों। हर सिचुएशन से बेखबर परेशान कि आ गया ये न्यूज़ आ गई, क्या क्या बवाल क्रिएट करने वाली है। इस बात से बिल्कुल अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी और अचानक से ये न्यूज़ सामने आ गई और आगे क्या क्या होने वाला है इस बात से भी अभी बेखबर है। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी। बात ही ऐसी है, कोई भी परेशान होगा। सीरत पूरे रास्ते उन्हें हक करके बैठी होती है और एक हाथ से ड्राइविंग कर रही होती है और थोड़ी देर में लोग घर पहुंचते हैं। वहां से सीरत उतरती है लेकिन अनिका भी गाड़ी में बैठी हुई होती है, उतर ही नहीं रही होती। बस परेशान होती है। सीरत उनको किसी तरह गाड़ी से उतारती है और कहती है प्लीज प्लीज संभालो खुद को, मैं समझ सकती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ है। बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन संभालो खुद को। इस तरह तुम्हारे रिएक्ट करने से, इस तरह डिप्रेस हो जाने से, इस तरह परेशान हो जाने से सिचुएशन ठीक तो नहीं हो जाएगी ना। बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी ना। फिर क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना। तभी अनिका और ज्यादा रोने लगती है, जो उसके अंदर भरा हुआ होता है वो सब कुछ बाहर आने लगता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और वहां से दौड़ते हुए अंदर घर के जाती है। सीरत उसके पीछे भागती है और
जाके उसे हॉल में पकड़ती है और उसे अपनी तरफ घुमाती है और उसे जोर से अपने सीने से लगाती है और कहती है बस करो। कितना रोना है, कितना परेशान होना है, सब ठीक है यार, सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। सच में सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान होने से, इस तरह रोने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना कुछ सुधरेगा। समझ में आया? ना कुछ बिगड़ेगा और ना कुछ सुधरेगा। बात को समझने की कोशिश करो। इस समय बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा, बहुत ज्यादा हिम्मत से। मुझे पता है वो हॉस्पिटल तुम्हारे वर्क प्लेस है, बहुत से लोग तुम्हें डॉक्टर के रूप में जानते हैं और ये वीडियो सर्कुलेट होगी तो परेशानी होगी। मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह टूट के कोई फायदा नहीं है ना। मैं खुद टूट जाऊंगी, मेरे लिए खुद को संभालो प्लीज, प्लीज जान मेरे लिए। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मैं शेरनी हूँ तुम मेरी, मेरा मेरी शेरनी इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। और हमने गलत क्या किया है? प्यार करते हैं एक दूसरे से। अच्छा ठीक है, अभी ये सारी बातें नहीं करते, अभी काम हो जाओ बिल्कुल। आई प्रॉमिस इस वीडियो को मैं ज्यादा सर्कुलेट नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। और जिसने भी ये किया है ना, इसका पता लगा के छोड़ूंगी मैं, चाहे जो हो जाए। ये याद रखना तुम बस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं, समझी? समझी ना? अनिका उसे और जोर से हग करती है और कहती है आई ट्रस्ट यू। सीरत तूने फिर थोड़ा सा अपने से दूर कर दिया और कहती है मुझे 2 मिनट दो, मैं बात करती हूँ। अनिका को वहाँ सोफे पे बैठाती हैं और उसे पानी पिलाती हैं, तभी वहाँ उनकी मॉम भी आती है और कहती है क्या हो गया? कहती कुछ नहीं मॉम, बाद में बताती हूँ, अभी आप अनिका के पास बैठिए, उसे संभालिए प्लीज़, मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, मुझे एक कॉल करना है बस। वो फ़ोन उठाती हैं और किसी को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और बात बहुत बिगड़ रही है, प्लीज़ किसी भी तरीके से पता करो कि ये सब हुआ कैसे है, और इस वीडियो को सर्कुलेट होने से अभी के अभी रोको, अभी के अभी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लो, चाहे जैसे लो, मैं दूंगी तुम्हें पैसे, लेकिन इस वीडियो को सर्कुलेट होने से रोको। मुझे पता है कोई याद नहीं रखने वाला, कुछ टाइम में सब भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखता है,
लेकिन इस समय अनिका की जो कंडीशन है, अगर ये वीडियो दिन में दिन अभी सर्कुलेट हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अनिका इज अ डॉक्टर, उसका करियर खराब हो जाएगा। इसको इसे रुकवाओ, किसी भी तरीके से रुकवाओ, पैसा पानी की तरह लगा दो। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, सामने वाला पर्सन बोलता है ठीक है, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बस उम्मीद करना कि ये जो हमारे देश के, सॉरी, जो हमारे समाज के कुछ ठेकेदार हैं वहाँ तक ना पहुँच जाए बस, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा क्रिएट हो सकता है। सीरत बोलती है वो सब बात की बात है, इसीलिए कह रही हूँ मैं, इसको जितनी जल्दी हो सके इसे रोक दो, जितनी जल्दी हो सके। वो कहते हैं कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और ये कहते ही वो कॉल कट करती है और दौड़ के अनिका के पास आती है। कहती है बस टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई एम ऑलवेज विद यू ऑलवेज, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी वहाँ शिखा भी आ जाती है और शिखा इस तरह देखती है अनिका को रोते हुए, तो वो दौड़ के उनके पास आती है और कहती है कि क्या हो गया भाभी, आप इतना परेशान क्यों, कोई बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी रहती है। सीरत की तरफ वो देखती है शिखा और कहती है क्या हुआ, कहती पता नहीं यार ऐसी ऐसी बात है। शिखा कहती है देखा देखा अंजलि, वीडियो वही था, मैं तुमसे कह रही थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और ये वही निकला। तो सीरत बोलती क्या हो गया, तुम लोगों ने भी कहीं, कहती हाँ कोई लड़का देख रहा था बैठ के। अनिका और ज्यादा परेशान हो जाती है। सीरत अनिका के पास आते और कहती है मुझ पे ट्रस्ट है या नहीं। अनिका कहती है, कहती तो बस मैं रुकवा रही हूँ ना, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत लो। अनिका चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। तभी बाहर से अनिका के डैड, सीरत के डैड और कुछ लोगों को लेके वहाँ आ जाते हैं। वहाँ फुल ऑन तमाशा करने लगते हैं। अनिका के डैड कहते हैं अनिका तुमने ये क्या कर दिया, ये बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा, 1% भी नहीं। ऐसी हरकत करने से पहले तुमने सोचा नहीं एक बार भी। तभी शिखा बोलती अंकल प्लीज शांत हो जाएंगे, अभी वो खुद बहुत परेशान है। कहते हैं वो परेशान है, ऐसी हरकत करने से पहले नहीं परेशान थी, नहीं सोचा था इसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसी बेटी होने से अच्छा था कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती,
एक लड़की थी, कितने सपने देखे थे, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारी हर इज्जत का ख्याल रखा है, हर इज्जत का, तुम्हारी जिद का, तुम्हारी ख्वाहिशों का, तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी हर एक चीज का मैंने ख्याल रखा, और इसके बदले में तुमने मुझे ये सब दिया है, ये सिला दिया। ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी मुझे तुमसे, इतनी गिरी हुई हरकत करोगी, अरे इतनी प्यास थी तो जाके पूछा, तभी सीरत उठती और वो जाके अंकल का गला पकड़ लेती है सीधे, कहती खबरदार अगर एक लफ्ज फालतू का निकाला मैं भूल जाऊंगी कि आप निकाह के बाप हैं, खबरदार, आप अपनी बेटी की इज्जत करते होंगे या नहीं, आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर, लेकिन मैं अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा, कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा, अगर एक गलत अल्फाज सनिका के लिए यूज किया मैं सारे रिश्ते भुला दूंगी, क्या करूंगी आपके साथ आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझे? आप अपनी बेटी से मिलने आए हैं, शौक से मिलिए, आपका पूरा हक है, उसको संभालना है तो संभालिए, लेकिन अगर आप यहाँ आड़ियल पाप बन के आए हो अपने कदम पीछे लीजिए और जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाइए, अदरवाइज मैं आपका क्या हाल करूंगी ये मैं खुद भी नहीं जानती, she is my fiance, she is my would be wife, she is my life partner, she is my everything, she is my life. This is my world. इबादत करती हूँ मैं उसकी, खुदा का दर्जा दिया है मैंने उसे, और मेरे खुदा के बारे में अगर किसी ने एक भी गलत अल्फाज निकाला, किसी ने भी, यहाँ मौजूद एक एक इंसान इस बात को सुन ले, किसी ने भी एक गलत अल्फाज निकाला उसकी कब्र में खुद खोदूंगी, ये याद रखिएगा सब लोग, भूल जाऊंगी कौन है अनिका के पापा, कौन है अनिका के रिश्तेदार, कौन है मेरा बाप, सब भूल जाऊंगी, शर्म नहीं आ रही होगी ना बोलते हुए, जो आपने बोला, जो लफ्ज यूज किया उसने किया, कौन सी लड़की चाहेगी कि अपना प्राइवेट मोमेंट सबके सामने, शर्म कर लीजिए थोड़ी सी बोलने से पहले, मर्दों के दिल नहीं होता है क्या, जज्बात नहीं होते आप लोगों के पास, समझ में नहीं आता कौन सी प्रॉब्लम है वो, क्या फेस कर रही है वो, इससे अच्छा मैं अपना पारा, मेरा टेम्पर लूज हो जाए, आप लोग यहाँ से चाहिए भी, मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करना चाहती, ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ, अरे आप लोगों में शर्म ही नहीं है, तभी उसमें से कोई बोलता है कि एक लड़की के साथ ये वीडियो शर्म नहीं आई, कहती अच्छा किसी लड़के के साथ होती तब आप लोगों को और मजा आता, मेरे सामने ना ये फालतू की बदतमीजी कर मत देना,
शिखा तभी पीछे से आती है दौड़ के और वो सीरत को पकड़ती, कहती काम डाउन यार, रिलैक्स कर। कहती क्या रिलैक्स करूँ यार, तो देख रही है बाप है ये अनिका का, कैसे बोल रहा है, मुझे तो ये शक है कहीं इन्होंने तो नहीं करवाए। तभी अनिका के पापा बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपनी बेटी के साथ। कहती क्या अपनी बेटी के साथ, क्या जो अपनी बेटी के लिए इतना गलत वर्ड यूज कर सकता है वो किस हद तक जा सकता है, मुझे तो अब कोई उम्मीद है नहीं आपसे। इस समय आप ना मेरे घर के अंदर खड़े हो, तो कुछ भी बोलने से पहले सौ बार सोचिएगा, ये हमारा घर है, मेरा और अनिका का। दिस इज अनिरथ हाउस। बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स का यूज कीजिए, अदरवाइज जान से मार दूंगी मैं। अनिका जब देखती है कि सीरत वाकई बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही है, तो सीरत का हाथ पकड़ती और कहती है सीरत आई नीड यू यार, प्लीज प्लीज लीव देम एंड मेरे पास आओ, प्लीज आई नीड यू वेरी बैडली, आई नीड यू, प्लीज कम। सीरत उनको छोड़ती है और अनिका को तुरंत पकड़ती और कहती है चलो यहाँ से, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो होगा मैं खुद हैंडल कर लूँगी, मैं खुद देख लूँगी कि किस चीज़ से कैसे डील करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने बाप के फर्ज ना ही निभाइए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। जाइए फिर यहां से, दफा होइए, तुरंत का तुरंत दफा हो जाइए आप यहां से। और ये कह के वो अनिका को पकड़ती है और वहां से रूम में लेके जाने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी इस स्टोरी में और क्या क्या आने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।